हेलो दोस्तों, आज दिल्ली की गोरी आप सभी को हिमाचल की वादियों के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बसे पालमपुर शहर में लेकर जा रही है। यहाँ की खासियत प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यहाँ के चाय के बगान और टी फैक्ट्री भी है। यहाँ पर आपको 150 वैरायटी की ग्रीन टी मिलेगी। तो आइए आप भी हमारे साथ इस सुंदर सफर में शामिल हो जाइए। सबसे पहले कि जैसे हम देख ही सकते हैं, सामने आपको चाय के बागान दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर जो वर्कर्स हैं बहुत ही मेहनत से यहाँ पे पत्ती चुन चुन कर अपनी बास्केट में इकट्ठा करते हैं और फिर इस बास्केट को आगे पहुँचाते हैं फैक्ट्री तक। और फैक्ट्री में जाने के बाद इस टी की एक्चुअल प्रोसेसिंग शुरू होती है, जो कि हम आगे देखेंगे। इसमें हम जैसे चाय पीछे से आई, उसके बाद इसको यहाँ पे भीतर किया, पंखे की आवाज़ देते उससे करने के बाद इसको ये किस लिए लेके आते हैं आप? ब्रीथिंग जो हवा देते हैं किस लिए देते हैं? सुखाने के लिए। पत्ते को सुखाने के लिए आप इसको? यहाँ पे हम रोलिंग करते हैं, रोलिंग के बाद इसको प्लांटेशन में ले जाते हैं। तो इसमें जो पत्तियाँ आती हैं वो ऊपर से गिरती हैं? गिरती हैं जैसे इसमें आती हैं। हाँ जी, वो रोलिंग जो उसके जब सूख जाती हैं तो पत्तियाँ इसके अंदर आती हैं? इसके अंदर आती हैं। इसमें जो हम लगभग 180-200 किलो का पेड़ा डालते हैं इकट्ठा ही हमारे। अच्छा, तो इसमें फिर वो बारीक हो जाती हैं पत्तियाँ? अभी हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर ये प्रोसेस कितनी देर का होता है? 15-20 मिनट। तो एक बार जितना आ गया बंद हो गया, उसके बाद 15 मिनट के लिए मशीन चलेगा, उसके बाद मशीन से कहीं नीचे आता है या पैक होता है? ये प्लेट लगी हुई है, प्लेट बंद कर देंगे पहले, फिर इसको खोल देंगे तो निकल जाएगा नीचे। अच्छा, तो ये पत्तियाँ फिर यहाँ से हम पैक करते हैं अलग से या रॉ में? रेडी रेडी रखी हुई है, रेडी में डालते हो। अच्छा, वो सारी के सारा माल जो है इसमें इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसके अंदर भर करके कौन से डिपार्टमेंट? फर्मेंटेशन के लिए ले जाते हैं। ये फर्मेंटेशन हाल है, इसमें हमने रोलिंग के बाद यहाँ पे चाय ले आते हैं और उसके बाद उसको टेम्परेचर बना के ड्राई कर लेते हैं। ड्राई सेक्शन में इसमें फर्मेंटेशन के बाद इसमें सुखाते हैं, इसमें लगभग 120 डिग्री का टेम्परेचर बना के इसमें सुखाते हैं, इसको पहले यहाँ से डालेंगे और ये 15 मिनट के बाद नीचे निकलेगी। ड्राई के बाद तो यहाँ पे रख दिया यहाँ पे सुखा के, इसके
उसके बाद अभी कोटिंग के मशीन में चलाएंगे। शॉटिंग का मतलब सर क्या है यहाँ पे? इसमें पत्ती अलग 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 मतलब अच्छा ये ग्रेड वाइज होगी, अलग अलग हो जाएगी कि मोटी एक तरफ आ जाएगी पतली एक तरफ, ये क्या है? इसके बाद में सर क्या? इसके बाद इसके बाद पैकिंग होती है ग्रेडिंग पेपर पर, तो स्मॉल स्मॉल पैकिंग हमारा सिस्टम ये ब्रोकन का आ गया, ये ब्रोकन आ गया, ये ब्रोकन आ गया, ये हमारा लीफ ग्रेड में जाएगा, इसको पंखा लगाने के बाद फिर लीफ निकालेंगे इससे, जो भी ब्रोकन ही बनेगा, अलग अलग ग्रेड बनेगा। ब्रोकन का मतलब आपका यहाँ पे क्या है सर? जो टूटा हुआ माल है, जो बिल्कुल टूटा अच्छा जो है, जो जो रेडी है पत्ती के लिए। इसके बाद जो पैकिंग होती है ये ऐसी ग्रीन पैक होती है या फिर इसमें जो ब्लैक कैसे होती है? ब्लैक नहीं होती। अच्छा ये ग्रीन ही रहेगी, ग्रीन रहेगी। तो जो ब्लैक पत्ती होती है वो कैसी होती है? जैसे मार्केट में जो मिलती हैं ताजमहल या ब्लू पॉइंट वगैरह, वो पत्तियाँ उसमें कलरिंग वगैरह का इफेक्ट आता है, ये ऐसे ग्रीन ही रहेगी जैसे इसकी सी टी सी बनती है ना? हाँ जी, अच्छा अलग ग्रेन होता है। अच्छा अच्छा, या फिर सी टी सी नहीं बनेगी? अच्छा सी टी सी मतलब सर जो फ्री के बने जाते हैं। अच्छा 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 सर, ये जो फिर पत्तियाँ जो एक एक किलो के पैकिंग, आधा किलो के पैकिंग या फिर छोटे टी बैग में पैक होते हैं, वो भी होता है सर? वो पैकिंग में एरिया अलग है आपका? वो एरिया लाइट आ रही है, ये पैकिंग के लिए तैयार हो गया। जाएगा पैक होकर के कलकत्ता, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आपका माल सप्लाई होता है? कलकत्ता जाता है, सिर्फ कलकत्ता हमारा यहाँ से कलकत्ता, वहाँ पे ब्रोकर जहाँ से। अच्छा, वो ट्रेडर अपने आप भेजता है? मेरा नाम नंद कुमार है, मैं पालमपुर कॉपरेटिव फैक्ट्री में काम करता हूँ। हमारी ग्रेडी है, ये दोनों ग्रेडी है, और इसके बाद वो प्रोडक्ट निकाल इसमें और इसका डिफरेंस होता है सर ग्रीन टी में और इसमें ऑर्थोडॉक्स में? हाँ जी, क्या फ़र्क होता है? बनाने का मतलब यहाँ पे तैयार करने का प्रोसीजर अलग है। हाँ, फ्लेवर भी अलग होगा? फ्लेवर थोड़ा सा अलग होगा इसका। अच्छा, तो ये ज़्यादा मतलब क्वालिटी वाइज भी बेटर है? हाँ जी, ये भी अच्छी है। हाँ जी, तो ये नॉर्मल टी और जो वो टी है उस टी में डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा सा? और ये गोल्डन फ्लावरी ये भी इसी की है? अच्छा, ये इसका हाँ जी, ये ब्लैक टी में आती है ना? वो ग्रीन टी में आएगी या ब्लैक टी में आएगी, ये मेजर डिफरेंस है। और ये जो आपने सैंपल रखे हैं ये किस चीज़ का सैंपल है ना?
हम इनकी परमिशन के साथ में इसको खोल रहे हैं ताकि आप लोगों तक पूरी जानकारी मिल सके। क्या एक नेचुरल टी का प्रोसेस है, किस तरह से टी तैयार होती है और क्या उसका फ्लेवर आता है, कितने ग्रेड आते हैं, कितने तरह की टी वो होती है, ये ग्रीन टी होती है, ब्लैक टी होती है, किस तरह से वो बनती है, कितने लोग उस पर काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, सारे फ्लेवर यहाँ दिखाए गए हैं।